अभी जो है ना कुछ टॉपिक्स हैं जिनके अंदर हम डिस्कस करेंगे फोरेंसिक के मोड, मैनर और कॉज ऑफ डेथ हो गया। मोड के अंदर जो होता है ना वो सीवीएस हो गया, सीएनएस हो गया और रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये तीन सिस्टम जो होता था इनकी जो है ना सीजेशन को। एक हमारे पास होते हैं मॉलिक्यूलर डेथ, एक हमारे पास होती है सोमैटिक डेथ हो गया, ठीक है। जो सोमैटिक वो होल बॉडी की डेथ होती है, जबकि मॉलिक्यूलर जो सेल लेवल का वो डेथ होती है। इस तरह नर्वस सिस्टम 3 घंटे फ्यू सेकंड के लिए, ठीक है, अगर ना मिले तो डेड हो जाता है। कॉर्निया 6 घंटे के लिए, मसल 3 घंटे के लिए, स्किन जो है ना वो 12 घंटे तक बेयर कर जाती है। तो न्यू डेफिनेशन में क्या है कि ऑल ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस जो होते हैं ना वो लॉस हो जाते हैं। अच्छा, आई के अंदर चेंजेस क्या होते हैं, बेसिकली जो कॉर्निया है ना वो ड्राई हो जाता है, वो पीक हो जाता है और इसके अंदर एक ब्लैक कलर का जो है ना वो स्पॉट्स हमें नज़र आता है, जैसे ट्रैंक्विलाइजर के इस तरह करके स्क्लेरा के अंदर एक ब्लैक स्पॉट अपेयर होना शुरू हो जाता है। विद इन 6 आवर्स आफ्टर डेथ जो होता है ना वो आपको दिखेगा। तो इसे हम ट्रैंक्विलाइजर कहते हैं, एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। अच्छा, फिर हमारे पास हो जाता है फायर आर्म इंजरी। एक हमारे पास होता है राइफल्ड फायर आर्म जिसके अंदर एक वक्त में सिर्फ एक ही बुलेट निकलेगा। फिर स्मूथ बोर्ड फायर आर्म आ जाता है जिसके अंदर मल्टीपल निकलते हैं और एक गन शॉट हो जाता है, ठीक है। जो राइफल्ड होता है वो हमारे पास होता है लॉन्ग बैरल भी हो गया और शॉर्ट बैरल भी हो गया, ठीक है। स्मूथ बोर्ड में हमारे पास लॉन्ग भी होता है, शॉर्ट भी होता है, डबल बैरल होता है, सिंगल बैरल होता है, चोक होता है और अनचोक होता है। मतलब चोक जो पीछे से बड़ा और आगे से छोटा हो जाए, मतलब जिसका मुजल जो होता है ना वो छोटा हो जाए। अच्छा, मिजल्स होता है और ब्रीच जो है ना वो इसकी दो टाइप्स हैं जिसकी वजह से हमारे पास दिखी गई है, ये हो गया। अच्छा, जो राइफल होती है ना, जो रिवॉल्वर होता है, पिस्टल होता है और एक राइफल होती है। रिवॉल्वर में 600 से 900 फीट पर सेकेंड, पिस्टल में 1200 से 1400, जबकि वो 4 टन लगाते हैं, 6 टन लगाता है। और फिर राइफल के अंदर जो होता है ना वो 2000 से 3000 फीट पर सेकेंड जो होता है ना वो ब्लास्टी से मूव करता है। तो ये ऑलमोस्ट 20 टन जो होता है ना वो लगाएगा फोर्स, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में, ठीक है। अब इंट्री बाउंड जो होता है ना वो ऑलवेज इन्वर्टेड होती है, शॉर्ट होती है, मोस्टली कॉलर ऑफ ब्रीन्स प्रेजेंट होती है और वहाँ पे टैटूइंग हो सकती है, बर्निंग ऑफ स्किन आपको ऊपर नज़र आ सकती है, ठीक है। तो ये थे सारे के सारे